हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक लवर्स। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आईपीएल की डेट। मैं आपको बताऊंगा आईपीएल 2023 कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया आईपीएल की डेट। दोस्तों, सबसे जो बड़ा रीज़न है वह रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। दोस्तों, बीसीसीआई ने आईपीएल के जो शेड्यूल रखा है वह ओडीआई वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले रखा है। दोस्तों, आईपीएल 2 महीने चलता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कौन सी महीना और कौन सी तारीख से शुरू हो सकता है आईपीएल 2023। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल के सच्चे फैन और आप आईपीएल देखना पसंद करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर आईपीएल से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया आईपीएल की डेट। दोस्तों, आईपीएल जो 2023 में होने वाला है वह आपको या तो मार्च 31 या फिर जून, दोस्तों 4 जून को आपको आईपीएल स्टार्ट होना, दोस्तों आईपीएल जो स्टार्ट होने वाला है 2023 का वह या तो मार्च या अप्रैल में होगा। दोस्तों, अब मैं आपको डेट बता दूं कौन सी तारीख से आईपीएल स्टार्ट होगा। दोस्तों, या तो 31 मार्च से स्टार्ट होगा या फिर 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल से नहीं होता है दोस्तों, 4 अप्रैल से पक्का आईपीएल 2023 होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब अप्रैल और मई 2 महीना आईपीएल चलेगा। मई जून में आ जाएगा हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और दोस्तों अक्टूबर में आ जाता है हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप। दोस्तों, इस बार हम उम्मीद करेंगे आरसीबी टीम से, क्योंकि दोस्तों आरसीबी एक ऐसी टीम है जिनके सबसे ज़्यादा फैंस हैं, और दोस्तों अभी तक एक भी ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम नहीं की, और उसमें सबसे बड़े बड़े प्लेयर खेल चुके हैं, चाहे वो क्रिस गेल हों, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन हों, केएल राहुल हों, और विराट कोहली हैं उसमें। दोस्तों, विराट कोहली ओनली आरसीबी के लिए खेले हैं, और आज तक उन्होंने अभी तक कोई भी हमें ट्रॉफी जीता के नहीं दिए, बट दोस्तों उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, बट हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इस बार वह फॉर्म में भी हैं। दोस्तों, उनके ये 2 मैच बेकार चले गए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। हमको लगा था वह 2 सेंचुरी जरूर लगाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ, बट हमको सेंचुरी देखने को नहीं मिली। हम उम्मीद करेंगे तीसरा ओडीआई उसमें विराट कोहली सेंचुरी लगा दें और अच्छी तरह से फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि दोस्तों हमारे 3 मुकाबले हैं वो भारत में होने वाले हैं, यार श्रीलंका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोस्तों, फाइनली आईपीएल की न्यूज़ आ गई, और दोस्तों आईपीएल फैंस के लिए बहुत खुशी की खबर है कि आईपीएल जल्द होने वाला है, और दोस्तों इस बार हम उम्मीद करेंगे विराट कोहली की टीम आरसीबी ट्रॉफी जीते, क्योंकि दोस्तों मैं आरसीबी टीम का सच्चा फ़ैन हूँ। और आप कौन सी टीम के सच्चे फ़ैन, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो आईपीएल में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप आरसीबी टीम को सपोर्ट करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।